एक ओ समा आया पंथ दे विच जदों गुरु के सिखां ने फैसला किया कि जिन्ना जिन्ना ने भी कौम दे उपर वधीकी की है, चाहे वह जैन खां होवे सरहंद दा हाकम, चाहे नजीब दौला होवे जिहड़ा सहारनपुर दा रहेला पठान हाकम है, इन्हां सारयां नूं सोधना चाहीदा है। ते नजीब दौला नूं सोधन वास्ते सरदार मित सिंह जी 10,000 दी फौज लैके जांदे है। पंथ प्रकाश दे करता रतन सिंह जी भंगू लिखदे है, कहन लगे डल्ले वालिया मिसल में तारा सिंह आखाए, तिस डेरे मित सिंह रहे तिन जो मते पकाए। सरदार मित सिंह जी ने अपने समुचे गुरु के सिखां खालसे दे नाल सलाह कीती, मता कीता है। मता की कीता है, जमना टप लंघ पईए सवेरे, के जमना नूं टप के ते जाके सहारनपुर मेरठ दे इलाके दे विच जिहड़े रहेले लोक हन उहनां नूं सोध देना चाहीदा है। इह रहेले पठान जिहड़े लंमे समय तों इस इलाके दे विच राज करदे आ रहे सन, कदे गुरु नानक साहिब महाराज इस थां दे उपर जाके महाराज ने इन्हां लोकां नूं सीधे रस्ते पाउण वास्ते अपना आप वेचना तक जिहड़ा प्रवान कर लिया सी। सतगुरु उत्थे विक गए सन ते तां जाके उन्हां नूं जिहड़ा सी उत्थे मंडियां दे विच मनुख जिहड़े वेचण तों सतगुरु ने रोकिया सी। इह उही रहेले ते नजीब खान रहेला इस इलाके दा उस वेले दा फौजदार है। गुरु के सिख जिहड़े जमना नूं टप के 10,000 सिख लै के इन्हां ने मेरठ दे सहारनपुर दे इलाके दा सफाया कर दिता, उन्हां हाकमां नूं लुटिया, उन्हां दा धन दौलत इकट्ठा कीता। नजीब खान रहेले ने उस वेले एक बंदे नूं भेज के अहमद शाह अबदाली दे कोल फरियाद कीती कि अहमद शाह अबदाली मेरे नाल मेरी मदद कर, मेरी रखिया कर। ते अहमद शाह अबदाली कुछ इतिहासक स्रोतां दे मुताबक वह माछीवाड़े दे विच कैंप ला के बैठा सी। सरदार रतन सिंह भंगू आखदे कहन लगे वह लाहौर दे विच बैठा होया सी। जदों उहनूं खबर पई कि वह नजीब दौला दे उपर जाके सिख टुट के पै गए, उन्हें अपने दो जरनैल जहान खान ते जाबता खान नूं वड्डी फौज दे के नजीब दौला की सहायता करन वास्ते तोर दिता। 10 दिन तक गुरु के सिख मेरठ सहारनपुर इत्यादिक इलाके दे विच जाके ते लुटदे रहे। ते मैनूं माफ करियो, सिख गरीब गुरदे नूं नहीं लुटदा। एक बार सिखां ने हमला कीता ते बहुत सारे गर्म बस्तर जिहड़े सन सिखां दे हथ लग गए, पर जदों सिखां नूं पता लगा ये सरकार दे नहीं, एक केवल एक व्यापारी दे है, ते सारे दा सारा कुछ सिखां ने उहनूं वापस कर दिता। सिख किसे गरीब नूं किसे बंदे नूं नहीं बल्कि हकूमतां नूं वक्त पाउणा चाहुंदे सन। सिखां ने उस वेले दा सरकारी तंत्र जिहड़ा सी सारे नूं लुटिया। जदों फिर एक दिन गुरु के सिख रात बराजे हुए सन, नजीब दौला ते अबदाली दियां फौजां अचानक आण के सिखां ते टुट के पै गईयां। गुरु के सिख विचार करदे आ किवें कीता जाए। सरदार मित सिंह होणा ने कहा नाले ए अबदाली दियां फौजां नाल लड़ना है, नाले नाले पिछे हटदे जाणा है, ते पिछे हटदियां हटदियां असीं जमणा तो पार करके वापस चले जाइए। पंथ प्रकाश दे करता रतन सिंह जी भंगू आखदे है, कहन लगे कि सरदार मित सिंह जी जिहड़े सन वह चढ़ चढ़ के लड़दे पए सन, पर एक मुसीबत भी है कि बहु तन के कब वारे आवे, जिथे सिख थोड़ी गिनती विच सन उत्थे अबदाली ते नजीब दुल्ला दियां फौजां वड्डी गिनती विच सी, बहुतियां दे नाल वारे नहीं सी आया जा सकदा। होया कि जदों सिख बहादुरी नाल लड़ रहे सन, नाले पिछे नूं हटदे पए सन, उस वेले सिखां ने जिथे नजीब दुल्ला ते सरकारी तंत्र नूं लुट लुट के धन दौलत दे गड्ढे भरे हुए सी, उत्थे उह धन दौलत सिखां दे घोड़ियां दियां उपर जिहड़ा उत्थों तक भी लद्दिया होया सी। कृपान चलाउण विच वी सिखां नूं दिक्कत आउंदी पई सी। ते हकीकत इह है उस समें दौरान जदों सरदार मित सिंह ते उहनां दे साथी नजीब दुल्ला ते अबदाली दियां फौजां नाल लड़दे पए सन, लड़दियां लड़दियां
एक गोली आण के उस घोड़े दे उपर लगती है जिस घोड़े दे उपर सरदार मेहत सिंह जी चढ़ के लड़दे पए सन। जदों ही घोड़ा जेड़ा धरती ते डिगन लगा माधर काबे पग फस गयो ते रतन सिंह भंगू कहिंदे उन्हां दा पैर रकाब दे विच फस गया। जदों घोड़ा डिगा ते घोड़े दे नाल सरदार मेहत सिंह भी धरती ते डिग पे। उन्हां दे डिगण दी देर सी के जहान खां जाबता खां दियां फौजां ने जोरदार हमला करके सरदार मेहत सिंह जी दा सीस कट के धड़ दे नालों जुदा कर दिता है। जदों कौम दा ओ जरनैल शहादत दा जाम पी गया रहिंदियां होईयां सिख फौजां उस वेले जंग दा मैदान छड के वापस आ गईयां। रतन सिंह भंगू जी दे अनुसार इस जंग दे मैदान अंदर सरदार मेहत सिंह जी दे समेत 6000 सिख जेड़े सन ओह शहादत दा जाम पी गए। उन सिंगण के जो सीस कटाए 18 गड्ढे नजीबे लुदाए। रतन सिंह भंगू कहिंदे ने के सिखां दे सीस कट के 18 गड्ढे भर के ते उस वेले मेरठ दी धरती तों लाहौर वाले पासे नूं तोरे गए। जदों सिखां दे सिरां दे मुल एक सिख दे सिर दा मुल 80-80 रुपये पाया जा रहा सी उत्थे 18 गड्ढियां दे उपर लदे होए सिखां दे सिरां दा मुल लैण वास्ते नजीब दुल्ला ते अबदाली दियां फौजां सिखां दे सिर लै के आ रहियां सन। जदों फिर शंभू तों अगे घग्गर सराय दे कोल आण के रात दे वक्त अहमद शाह अबदाली दियां फौजां उत्थे विश्राम कर रहियां सन। जदों उत्थे केवल ते केवल नशे दे विच गुलतान होईयां ऐशो इशरत विच पईयां होईयां सी उदों कौम दे जरनैल सरदार जस्सा सिंह आलूवालीए जी ने सरदार मेहत सिंह होणा दे भतीजियां नूं सरदार नोद सिंह भंगा सिंह होणा नूं होर सिखां नूं नाल लै के अबदाली दियां फौजां दे उपर हमला कीता। अबदाली दियां फौजां सिखां नूं आउंदिआं वेख के ओह गड्ढे छड के उत्थों दौड़ गईआं। फिर 23 मई 1767 दा दिन सी जदों कौम दे जरनैल सरदार जस्सा सिंह आलूवालीआ जी ने अपने हत्थां दे नाल 18 गड्ढियां तों सिखां दे सिर उतार के उत्थे फिर उन्हां सारे सिखां दा अंतम संस्कार कीता गया। जिहड़ी मिसल सरदार मेहत सिंह होणा ने जो अपना इलाका जित के राज पाक कायम कीता रियासत बनाई सी उन्हां दे भतीजियां दे विच वंड दित्ती गई।